हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किसका करना है? आपको इंटीग्रेशन करना है 2x ई पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू रूट ई पावर माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 का। अब इतना बड़ा इंटीग्रेशन देख के ही डर लगता है कि इतना बड़ा इंटीग्रेशन इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जितना बड़ा इंटीग्रेशन होता है ना, उसका सोल्यूशन उतना ही इजी होता है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हम लोग लिख देंगे इसको 2x e पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू रूट। यहाँ पर देखेंगे इसको मैं लिख रहा हूँ e पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आगे मैंने लिख दिया माइनस 16 dx। ठीक है। अब इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कहीं पर e पावर 2x लिखा है तो इसे आप आराम से लिख सकते हैं e पावर x का स्क्वायर। ऐसा इसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर कहीं पर x पावर 4 लिखा है तो आप इसे x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इस 2 को मैंने होल स्क्वायर में लगा दिया। ओके, अब देखो, अब यहाँ से आपका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो गया है। आप बोलोगे लेट e पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। हमने इस पूरे को मान लिया t। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो दोनों तरफ आप अवकलन कर दोगे। तो इधर अवकलन करोगे तो इस पूरे को मानोगे x। तो जब आपने इस पूरे को x मान लिया तो e पावर x का अवकलन क्या होता है, e पावर x होता है। तो ये हो जाएगा e पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। चूँकि इसको हमने x माना है तो इसका फिर से करेंगे। तो जब आप इसका फिर से करोगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लो x, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो x, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब ये आ गया 1 बाई 1 प्लस एक्स पावर 4, इसका हो गया अवकलन। यहाँ पर माइनस लगा तो एक माइनस लगा देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, हमने इसको एक्स माना है तो इसका फिर से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का हो गया अवकलन कितना आएगा, 2x आएगा, और हो गया ये dx बराबर dt। ओके, अब देखो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2x e पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं 2x e पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 के साथ में dx को लिखूँ तो मुझे यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस नहीं है तो इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो 2x e पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 dx की जगह पर हम माइनस dt लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं i इक्वल टू, देखिए इतने की जगह पर आपको माइनस dt पुट करना है और इतने की जगह पर आपको t पुट करना है। तो देख लो ये और ये मिलाकर माइनस dt हो गया। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं dt और लगा देता हूँ माइनस को आगे। ये और ये तो निपट के, अब ये बचा, इसकी जगह पर आपको t पुट करना है तो t पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 16। ओके, क्या मैं 16 को 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये बन गया आपका स्पेशल इंटीग्रेशन। मतलब आपने ऐसा इंटीग्रेशन देखा होगा, इसका आपने फार्मूले के रूप में यूज किया होगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। सिंपल, तो लिख देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू, देखो एक्स की प्लेस पर है टी और ए की प्लेस पर है 4। ठीक है, तो रखते जाओ, ये है एक्स बाई 2 तो ये हो जाएगा टी बाई 2। अच्छा, ध्यान रहे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को आप बाहर रखोगे। ठीक है, फिर है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब 16 है ना। फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2,
तो मतलब क्या, फोर स्क्वायर बाई टू, तो आप लिख दो फोर स्क्वायर बाई टू, ओके। और फोर का स्क्वायर कितना हुआ, सिक्सटीन, टू से डिवाइड करोगे तो एट आएगा, बात समझ में आई। फिर लॉग एक्स मतलब टी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हो गया टी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, भाई ए स्क्वायर क्या होगा, सिक्सटीन होगा, और प्लस सी। अब कुछ नहीं करना, बस टी की वैल्यू पुट कर देनी है, तो कर दीजिए पुट, हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस, टी की वैल्यू कितनी है, ई पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, रूट ई पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करोगे, जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो वापस ये टू यहीं तो आएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं ई पावर माइनस टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन माइनस एट लॉग टी, टी की वैल्यू है ई पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट में ई पावर माइनस टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन और प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।